हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहिन कुमार और एक बार आपका फिर से स्वागत है properties.in में। ये जो टूर आप देख रहे हैं, ये लेकशोर ग्रीन्स लोधा पलावा फेज टू इसे कहते हैं। वैसे प्रोजेक्ट वाइज अगर मैं बताऊं तो आई थिंक ये पांचवा प्रोजेक्ट है। इसके पहले कासा बेला गोल्ड, गोल्फ लिंक, कासा रियो, रियो गोल्ड एंड देन लेकशोर ग्रीन। इन प्रोजेक्ट्स की अच्छी बात ये होती है कि ये सेल्फ कंटेंट है। रोड से लेके एवरीथिंग यहाँ पर डेवलपर खुद बनाते हैं। पूरा ठीक होते होते वक्त लगेगा। शॉप्स आई थिंक आप देख पा रहे होंगे प्रॉपरली, मैं वीडियो इसका बना रहा हूँ। और शॉप्स की जो लिस्ट है वो भी मैं आपको दे दूंगा। मैं पहले बेल्ट लगा लूँ, बेल्ट लगाना मैं भूल गया हूँ, नहीं तो ये डिंग डिंग जो है ये रिकॉर्ड होगी साथ में और आपको मज़ा नहीं आएगा वीडियो देखने में। हाँ, तो मैं बात कर रहा था लेकशोर ग्रीन की। यहाँ पर जो शॉप्स हैं, नॉर्मली ये शॉप्स अभी तक बन रही हैं, नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं और कुछ चेंजेस भी हो रहे हैं। ऑनर चेंज हो रहे हैं शॉप्स के, ब्रांड वही है। तो इनकी लिस्ट मैं दे देता हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, आपके लिए आसानी हो जाएगी समझने में अगर आप यहाँ पर रहने आना चाहते हैं तो। अभी इसलिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अंदर हैं। वैसे किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं खुद यहीं पर रहता हूँ अंदर, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। ये वो मेरा लोकेशन है जहाँ मैं रहता हूँ, क्लस्टर, उसका नाम है कासा उनो। और हम एक पूरा राउंड लगा रहे हैं लेकशोर ग्रीन से लेके डाउनटाउन तक का। डाउनटाउन भी एक प्रोजेक्ट है, ठीक 900 मीटर या 1 किलोमीटर कह सकते हैं आगे की ओर। लेकिन अब फाइनली माइवन टेक्नोलॉजी के विला भी हैं यहाँ पर, यानी कि आपको जो नया जो पुराना जो टेक्निक है वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ब्लॉक वाला माइवन में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इसका कॉस्ट तकरीबन लैंड और विला का दोनों मिला के आता है 3.25 CR के आसपास। इसमें लैंड जो है वो 2250 स्क्वायर फिट की है। ये बीच में आप जो देख रहे हैं लेफ्ट साइड में जो टावर खड़ा है, एक्चुअली ये भी एक थर्ड पोर्शन है लेकशोर ग्रीन और डाउनटाउन के अलावा। इसका नाम वैसे अभी तक डिसाइडेड नहीं है, बहुत सारे कोड नेम यहाँ पे आए हैं, लेकिन सेंटर में ये है। और यहाँ पर एक यूनिक चीज़ ये है, लाइट में आपने शायद विला देखा होगा, मैं फिर से आपको बाद में रिटर्न में दिखा दूंगा। इसमें यूनिक ये है कि अब तक के जितने भी टावर हैं लेकशोर और डाउनटाउन के वो 19 नहीं है क्योंकि यहाँ पे 13 वाला नहीं है, 13 फ्लोर नहीं है तो 18 ही होगा। और ये जो बन रहे हैं टावर ये 12 फ्लोर के हैं, यानी कि ये 12 वाले के ही हैं और सामने विला आएंगे। तो विला और उसके अपोजिट में 12 वाले के टावर्स हैं और उसके साथ में कमर्शियल की लंबी चौड़ी लाइन होगी। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ डाउनटाउन और ये जो बीच का जो पोर्शन है जिसको प्राइम मतलब कोर्ट नेम में प्राइम स्क्वायर बोलते हैं, अब पता नहीं वो उसका फिक्स नेम है या नहीं है, लेकिन आई थिंक ये तीनों का मिला के अगर शॉप की मैं आपको नंबर बताऊं तो मेरे ख्याल से 200 के आसपास शॉप यहाँ पर होनी चाहिए। काउंट अभी तक क्लियर नहीं हो पाएगा जब तक वो बन के रेडी नहीं होगा। लेकशोर में तो काफ़ी सारी शॉप्स हैं जिसकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही रहा हूँ, आपको आप चेक कर सकते हैं। डाउनटाउन में भी जो शॉप्स हैं, डेली नीड्स के अलावा भी जो कुछ ऐसे ब्रांड हैं जो कि
जैसे जॉकी है वो भी वहाँ पे यहाँ पे आ चुका है। गिरनार की एक बड़ी शॉप आई है जो फास्ट फूड एंड ऑल जो रखते हैं चीज़ें, पैक्ड फूड जो होता है, पैकेट फूड, गिरनार ब्रांड है, मिठाई विठाई भी उनके पास है। तो इस तरह के अच्छे ब्रांड यहाँ पे आ रहे हैं। अब ये लेफ्ट में जो आप एक देख रहे हैं जो दुकानों की लिस्ट लंबी चौड़ी, यहाँ पर एक वेज फीचर्स करके एक होटल भी है और वेजिटेबल वेज रेस्टोरेंट है ये। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, आप टेस्ट करिएगा कभी। और यहाँ पर लेफ्ट में आपको कोटक का बैंक दिख रहा है, इसका ATM भी है, लेक शोर में ICICI बैंक है। और यहाँ पर जो नॉर्मल चीज़ें जो होती है, जैसे कि नीड की मैं आपको बता दूँ, सबसे पहला पॉइंट ग्रोसरी ढेरों हैं और मेडिकल स्टोर ढेर सारे हैं, और जो छोटे बच्चों के लिए जो प्री स्कूल्स होती हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं, यानी कि बच्चों का भी कोई टेंशन नहीं है। इवन डे केयर भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, टिफिन सर्विसेज बहुत सारे हैं। अगर आप बैचलर हैं, खाना बनाने में अगर आपको कंटाल आता हो तो यहाँ पर टिफिन सर्विसेज हैं जिसमें जैन से लेके नॉनवेज तक सब कुछ मिल जाता है। अलग अलग हैं, जो लोग जैन हैं वो जैन खाना बनाते हैं, जैन फूड। ये क्लब सेंटर में देख रहे हैं आप लेफ्ट साइड में डाउनटाउन का। और इसके बाद मैं आगे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि दो और हाईलाइट हैं आगे जिसकी फुटेज आप लास्ट में देख पाएंगे। एक तो गार्डन है और दूसरा लेफ्ट में एक टेम्पल भी है, जैन टेम्पल। उसके बाद जब हम लेक्चर जाएंगे वापस तो मैं आपको ये देखिए मैं गाड़ी टर्न करके दिखाता हूँ, ये जैन टेम्पल का थोड़ा सा नज़ारा आप देख पा रहे हैं। लेक्चर जब जाएंगे तो मैं आपको वहाँ पर जो मंदिर है भोलेनाथ जी का वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेफ्ट में जो आप टावर देख रहे हैं ये 3 BHK हैं, इसमें बालकनी नहीं है लेकिन ये प्रॉपर 3 BHK हैं, तीनों बेडरूम बड़े हैं। जो एक नया कॉन्सेप्ट चलता है आजकल 2.5 वाला वो नहीं है, ये 3 BHK। तो ये हुई डाउनटाउन तक की बात। अब ये जो आ रहा है आगे गार्डन, ये है एक बहुत बड़ा हाईलाइट। तो इसकी फुटेज आप लास्ट में इसी वीडियो में देख लें, अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप पर पिंग करें, मैं आपको ये गार्डन की पूरी फुटेज और जितने भी छोटे छोटे क्लिप्स हैं वो शेयर कर दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर आने में, रहने में, क्योंकि रहने में मुझे नहीं लगता कि पूरी मुंबई में भी इससे बेस्ट कोई जगह होगी, और उसके दो कारण हैं। एक तो ये एमिनिटीज जो आप देख पा रहे हैं, दूसरा यहाँ पर जो कॉस्ट है डोंबिवली में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ। नई मुंबई हार्बर लाइन या फिर सेंट्रल लाइन या वेस्टर्न लाइन, ये जो मुंबई के तीन लाइफ लाइन्स हैं, इनमें से अभी तक डोंबिवली मतलब कि विद इन 50 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई सेंट्रल या फिर CST के विद इन 50 किलोमीटर जो स्टेशन आते हैं उनमें से डोंबिवली एक स्टेशन ऐसा है जहां पर आपको प्राइस अभी भी सबसे बेस्ट मिलेंगे। लेकिन ये जो प्राइस बेस्ट मिलने का जो टाइम है ना, ये आई थिंक सो अब कुछ सालों का ही है, यानी कि 2-4 साल में। इसका एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ बड़ा, क्योंकि डोंबिवली का जो रोड है पहले संकड़ा रोड हुआ करता था और एग्जिट नहीं था, बॉम्बे जाने वालों के लिए एक ही एग्जिट था, कल्याणशील रोड। इवन डोंबिवली वेस्ट के जो लोग हैं, ठाकुरली वेस्ट के लोग हैं, कल्याण से भी कुछ लोग आते थे, तो पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, अभी भी हो जाता है, अभी तक कुछ ठीक नहीं हुआ उतना, थोड़ा सा हल्का हुआ है बिकॉज वाइडनिंग हो गया है, रोड वाइड हो चुके हैं, अब 3+3 6 लेन का रोड बन चुका है। तो वैसी सूरत में आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है वहाँ पर, मैं भी नोटिस कर रहा हूँ ये। हाँ, लेकिन आने वाले अगले 1.5 साल में, एक तो डोंबिवली वेस्ट में जो रेती बंदर का जो रिवर है वहाँ पर, उसके ऊपर से जो ब्रिज बन के जा रहा है, इसकी यूट्यूब में धमाल हुई पड़ी है, आप देख सकते हैं जाके, 80% कम्प्लीटेड है। जून में 23 में उसका पोजिशन कमिट कर रही है गवर्नमेंट शायद से। तो वो बनने के बाद ठाकुरली और डोंबिवली का जो वेस्ट का जो ट्रैफिक है, जो कि ईस्ट में आता था बेचारा, कल्याणशील रोड पर जाम में फंसता था, उसके बाद वो नई मुंबई ठाणा या मुंबई पहुंच पाता था। तो ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मतलब एक कैसे कहें वरदान जैसा है डोंबिवली के लिए।
और उसके बाद में जो थर्ड नंबर पे आएगा वो है एरोली कटे का जो ब्रिज टनल के अंदर से जो बन रहा है फ्री वे, इसको फ्री वे कहते हैं। तो जहाँ तक बताया गया है कि 12 से 13 मिनट में आप एरोली में ड्रॉप कर पाएंगे, एरोली पहुँच जाएंगे। तो ये तीनों एग्जिट बनने के बाद, और एक जो कल्याण साइड का तो है ही, लेकिन कल्याण साइड का इतना नहीं मायने नहीं रखता क्योंकि कल्याण मॉर्निंग के लिए नहीं होता है, मॉर्निंग में लोग बॉम्बे की तरफ भागते हैं और ट्रैफिक वहाँ से क्रिएट होता है और आने के टाइम पे सारा कुछ अगेन वही सीन क्रिएट हो जाता है। तो ये तीन चीज़ें बनने के बाद अगले दो तीन साल में, या फिर ये दो चीज़ें जो है, एरोली का जो फ्रीवे है और रेती बंदर का जो ब्रिज बन रहा है, ये तो अगले कुछ एक साल में डेढ़ साल में आई थिंक डिलीवर हो जाना चाहिए। और अगर नहीं हुआ तो फिर अगेन हमको वेट करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और हो गया तो डोंबिवली की जो प्राइस है वो फिर नई मुंबई के साथ में कंपेयर की जाएगी या फिर ठाणा से, ज़्यादा फर्क फिर नहीं रह जाएगा। क्योंकि ठाणा की मैं बात करूँ तो जो 2 BHK ठाणा में 1.25 crore में मिलता है, वही 2 BHK डोंबिवली में अभी 60-70 के बीच में मिल जाता है। तो डिफरेंस तकरीबन 50 लाख रुपए का है, 50 से 60 लाख रुपए का, जो कि आने वाले, अभी पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, यहाँ पर पीछे एक बाइक आ रही है वो पास ऑन करके मैं आपको ये देखिए, ये वो विला है जिसके फुटेज आप इस वीडियो के लास्ट में देख पाएंगे, या फिर आप व्हाट्सअप कर दें, मैं आपको फ़ोटो अच्छे वाले जो है सेंड कर देता हूँ। सामने आप देख पा रहे हैं एक पार्किंग का बिल्डिंग जिसका इस्तेमाल आमतौर पर लोग यहाँ पे नहीं करते हैं, गाड़ियाँ तो रोड पे लगाते हैं, लेकिन एक सिस्टम पूरा बनने की बात करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। और जो टावर देख रहे हैं आप, ये है 3 BHK प्रॉपर, ये राइट साइड में भी इसके 4 टावर बन रहे हैं, इसका नाम ट्रिनिटी है, राइट में जो बन रहा है वो सेरेनिटी है। इसके जो 3 BHK है इनका कारपेट 1190-95 या 1200 के आसपास है। तो ये बड़ा एकदम ह्यूज फ्लैट है 3 BHK, और इसमें आपको मिल जाता है पेंट हाउस और डुप्लेक्स भी। तो अगर आप डुप्लेक्स पेंट हाउस लेना चाहते हैं तो ये नहीं, तो फिर उतना बजट इसके आसपास आप पहुंच जाते हैं कि आप विला लेना भी अगर चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि 2.5 crore तक तो इनका डुप्लेक्स है और 2.5 crore के आसपास इनका पेंट हाउस है। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तो शायद 3.25 वाला विला ले लेता, छत भी मेरी, जमीन भी मेरी, सब कुछ मेरा, वहाँ पर आता मज़ा। और ये जो लेफ्ट में आप चौक देख रहे हैं जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें बड़े सारे ब्रांड आने वाले हैं, ट्रिनिटी क्लस्टर के शॉप्स हैं, ये क्लस्टर वाइज होता है। तो अभी हम लोग फिर से लेक शोर ग्रीन की तरफ आ चुके हैं, बातें बहुत सारी हो रही हैं साथ में। और थैंक यू, आपने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है और नहीं किया हुआ है तो कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ जो मेरे चैनल पर लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। और मुझे लगता है कि 1 लाख का जो आंकड़ा है सब्सक्राइबर्स का, वो अगर हो जाता है तो मैं प्रोफेशनल तरीके से इस फील्ड में आने की सोच चुका हूँ, सोच रहा नहीं हूँ, सोच चुका हूँ। अब ये निर्भर आप पर करता है कि 1 लाख नंबर्स आप मुझे कब दे रहे हैं। फिलहाल मैं 3,000 पे हूँ, बहुत आगे का सफ़र है, लेकिन अगर आप चाहें तो 1 लाख करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जितना मुझे पता है, मैं एनालिटिक्स चेक करता हूँ, एनालिटिक्स में 97% लोग जो हैं वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने से आपको तो मदद होगी ही मेरी तरफ से जितनी मैं दे पाऊँगा, लेकिन मेरी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पर अब हम जैसे ये रोड क्रॉस होगा, बहुत सुंदर रोड है, नज़ारा काफ़ी अच्छा है, झाड़ वगैरह सब लगाए हुए हैं, और मुझे नहीं लगता कि अगर आप कभी यहाँ तक नहीं आए हैं तो आपको इसमें मज़ा नहीं आएगा, दिखने डेफिनेटली मज़ा आएगा। इवन यहाँ पर ऐसा भी हुआ है कि बॉम्बे के लोग जिनके पास अच्छे अच्छे घर हैं बॉम्बे में, सेकेंड होम भी उन्होंने ले रखा है, सैटरडे संडे यहाँ पर आते हैं इंजॉय करने। तो मैं बात कर रहा था भोलेनाथ जी का जो मंदिर, वो ये है, ये मंदिर भोलेनाथ जी का है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और मैं आपको एक दो चीज़ें और दिखाता हूँ, गेट तक लेके जाऊँगा। जो यहाँ पर गेट, वैसे तीन गेट अभी ऑलरेडी हैं, गेट नंबर 3 सबसे पहले बना था, बाकी गेट नंबर 4 डाउनटाउन का है। जिस तरफ हम जा रहे हैं ये मेरे अंदाज से लेफ्ट साइड में ये क्लब है, आप देखा होगा आपने वीडियो में। हाँ, तो मैं गेट की बता रहा था, गेट यहाँ पर तकरीबन 3 बन चुके हैं, 2 नंबर गेट की ओर अभी हम लोग जाएंगे,
एक नंबर गेट अभी पेंडिंग है, राइट साइड में ये कमर्शियल बिल्डिंग है जो कि आईटी पार्क बन रहा है इनका, ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ है। तकरीबन 80 से 100 एकड़ का इनका आईटी पार्क है। यहाँ पर कार चार्जिंग पॉइंट्स आप देख सकते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हैं तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। और राइट में जो आप देख रहे हैं, लेफ्ट में क्लब है, राइट में ओलंपिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अगर आप अपने बच्चों को ट्रेन करना चाहते हैं जितने भी स्पोर्ट्स हैं, इवन मेरे बेटे के लिए भी मैंने यहाँ पर आज ही बात की है, जिसका एडमिशन अगले कुछ दिनों में हो जाएगा, स्विमिंग सीखने के लिए। इसके अलावा टेनिस और जो भी बड़े बड़े स्पोर्ट्स हैं सारे यहाँ पर सिखाए जाते हैं, ट्रेनर्स भी अवेलेबल हैं, आप खुद सीखना चाहें तो वो भी ऑप्शंस हैं। दोनों क्लब में बड़े बड़े स्विमिंग पूल है, और इसका स्विमिंग का जो साइज़ है वो ओलंपिक लेवल का है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं यहाँ पर। और पलावा में अभी तक मैं तकरीबन सभी जगह रहा हूँ, जहाँ भी हम काम करते हैं हम चले जाते हैं रहने के लिए। तो लेकिन मुझे लेकशोर ग्रीन में जितना रह के मज़ा आया, फाइनली मैं पर्सनली गाऊँ, थोड़ा सा आगे ज़रूर है, थोड़ा सा वक्त लगता है, एक 10 मिनट या 12 मिनट एक्स्ट्रा मुझे यहाँ तक पहुँचने में दिए एक्सपीरियंस से अगर मैं आगे काउंट करूँ तो। लेकिन जो मज़ा आता है अंदर आने के बाद, ये देखिए सामने एक और बिल्डिंग आईटी पार्क का, और ये सेकंड बिल्डिंग जो आपको मैंने पहले भी दिखाई थी। अब हम आगे से यू टर्न लेंगे। तकरीबन 16 मिनट 30 सेकंड का ये वीडियो बन चुका है अब तक। अब मैं आपको फाइनली लेफ्ट में आप देखेंगे, यहाँ पर पब्लिक ऑलरेडी, पेरेंट्स यहाँ पे खड़े हुए हैं, डिस्मसल चालू होगा अभी बच्चों का, जो टाइमिंग अलग अलग होता है। तो यहाँ पे दो स्कूलें हैं लेफ्ट साइड में, इनकी फुटेज भी मैं लास्ट में वीडियो में आपको दे देता हूँ, आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे एंट्री नहीं है, मैं नहीं जा पाऊँगा अंदर। तो ये दोनों स्कूलें जो हैं ये भी यहाँ पे अंदर ही अवेलेबल है कॉम्प्लेक्स के, एक लोधा वर्ल्ड स्कूल है और एक श्री राम यूनिवर्सल स्कूल है, दोनों ही हैं, एक थोड़ी सी कॉस्टली है और एक थोड़ा रीजनेबल है, आई थिंक। तो ये अच्छी बात है। तीसरी स्कूल इसकी डाउनटाउन के पास में एक लोधा क्राउन करके एक प्रोजेक्ट हुआ करता है, वहाँ पर स्टेट बोर्ड की एक स्कूल भी है जिसका नाम भी लोधा वर्ल्ड स्कूल स्टेट बोर्ड है। वो यहाँ पर तीन स्कूलें हैं जो कि लोधा ने खुद बनवाई हैं। और अब हम लोग यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं। ये गेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बसें खड़ी हैं जो कि डोंबिवली से आती है, एक्सपीरियंस से आती है, और यहाँ पर सिक्योरिटी, यहाँ पर गेट रखते हैं कितनी कड़क है। मेरे गाड़ी में लगा है स्टीकर क्योंकि मैं अंदर रहता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे अलाउ है। और बिना काम के, बिना किसी रीज़न के कोई बाहर का आदमी भी यहाँ पे अंदर नहीं आ सकता जब तक आप उसको बुलाएंगे नहीं किसी कारण से। सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है। मैं कई बार अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ से कुछ दिनों के लिए मेरे गांव यानी कि राजस्थान की ओर भी जाता हूँ, तो कोई टेंशन नहीं आता, सब सेफ है। बिल्डिंग में भी सिक्योरिटी है, गेट पास यहाँ पर मिल जाता है आपको, गेट पास नहीं सॉरी कार्ड मिलता है, स्मार्ट कार्ड, जिसकी जिससे आप एंटर कर पाएंगे अपने क्लस्टर्स में या फिर क्लब में जाना हो तो, उसके बिना आपको एंट्री नहीं है। तो ये था सिलसिला पूरा। राइट में देख सकते होंगे आपने पहले क्लब, शायद मैंने मिस कर दिया तो आपको बताना, राइट साइड में इसका क्लब है लेक्चर ग्रीन का, और ये जो लेफ्ट में टावर खड़ा है ये अगेन एक 3 BHK, इसका भी कारपेट 1190 या 1160 के आसपास कुछ है। ये भी क्राउन है, लोधा क्राउन इसको कहते हैं, ये 3 BHK बड़ा है, लैविश। इसके नीचे सेल्फ कंटेंट चीज़ें भी हैं, जिम वगैरह इनका खुद का है, और ये इनको फेंसिंग अलग से दी गई है, यानी कि इनकी जो एंट्री है वो सेपरेट है, यानी कि जो डिस्टर्बेंस है, जो बाहर के लोग आते हैं नॉर्मल जो जनरली घूमते हैं बाहर के, मेरे कहने का मतलब सोसाइटी के अंदर जो लोग रहते हैं वो तक भी यहाँ अंदर एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि फेंसिंग हुई है, इनकी पार्किंग भी अलग है और उनका पूरा एक्सेस अलग ही है, सेपरेट है। तो ये राइट में आपने देखा क्लब, और फिर से हम मंदिर के पास आ गए। और भी इसमें काफ़ी कुछ है, गेट नंबर 3 मैंने आपको नहीं दिखाया, कभी आप अगली बार आएंगे। मेरी गाड़ी में वैसे 3 लोगों की जगह होती है, जब भी आप आएँ अपॉइंटमेंट लेके आएँ, 3 लोगों से ज़्यादा अगर होंगे तो आपको दिक्कत होगी हम लोगों को घूमने में। तो मेरा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, व्हाट्सएप लिंक दे रहा हूँ, आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगा, रेडी पोजिशन या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन, दोनों वैसी सूरत में मैं हूँ आपके साथ।
15 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस जो कि मैं आपके साथ में कंटिन्यू शेयर करते आ रहा हूँ। YouTube पर मैं आने में थोड़ा लेट हो गया, मुझे अभी 2 ही साल हुए हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले वक्त में आप लोग मेरा साथ देंगे और मैं आपके लिए काफ़ी बेस्ट चीज़ें लेके आता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखें, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।